हर हर गंगे नमामि गंगे। देखिए भाई फिलहाल जो है हरिद्वार में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अस्थि प्रवाह की जा रही है देखिए, और गंगा जल जो है भाई बिल्कुल पारदर्शी हो चुका है, बिल्कुल कांच की तरह ये देखिए एकदम आर पार दिखाई दे रहा है। और ये बस अभी मार्च तक ही रहने वाला है इस तरह गंगा जल। फिलहाल सुबह सुबह देखिए हम हरिद्वार पहुँच गए, आपको हर की पौड़ी घाट से सभी भाई लाइव घाट आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल देखिए ठंड अब नहीं है, धूप बढ़िया निकल रही है, सुबह शाम की तो ठंड है लेकिन धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। तो देखिए आज कम श्रद्धालु हैं, अभी उतनी ज़्यादा जो भीड़ है हरिद्वार नहीं है। देखिए अगर मैं एक बार आपको गंगा जल का बहाव दिखाऊं तो देखिए कितना ज़्यादा गंगा जल का बहाव तेज हो गया है। अभी बीच में गंगा जल का बहाव धीरे था लेकिन फिर दोबारा देखिए आप यहाँ से गंगा जल का जो बहाव है वो कितना ज़्यादा तेज करते हैं। फिलहाल जल भी जो है पारदर्शी हो गया है। अभी सबसे अच्छा मतलब टाइम होता है, आपको होटल बहुत सस्ते मिल जाएंगे। देखिए गंगा जल एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा आपको, अच्छे तरीके से जो आप गंगा जी में डुबकी लगा पाएंगे और आरामदायक तरीके से आप पूरा हरिद्वार घूम पाएंगे। गऊ घाट पर हूँ भाई, और ये गऊ घाट से एक बार ये कितना सुंदर दृश्य आप यहाँ से देखिए। फिलहाल ये देखिए हाथी वाले पुल के नीचे से और गंगा जी बहती हुई, और क्या सुंदर दृश्य, और एकदम साफ़ देखिए जल, देखिए बिल्कुल साफ़ है। गऊ घाट पर भी आपको कहीं पर भी देखेंगे आप तो कोई ज़्यादा श्रद्धालु आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए गऊ घाट भी लगभग खाली है, देखिए यहाँ पर देखिए कोई श्रद्धालु नहीं है। और अब मैं हूँ शिव घाट पर, देखिए शिव घाट घाट भी साफ़ सुथरे हैं। देखिए जब श्रद्धालु कम हो जाते हैं तो क्या होता है, घाट भी जो है साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और अभी भी फ़िलहाल जो है घाटों की साफ़ सफ़ाई बरकरार है। जब से पुष्कर धामी हरिद्वार आए थे 22 जनवरी को, तब से जो है हरिद्वार में थोड़ा साफ़ सफ़ाई और हरिद्वार के घाटों की साफ़ सफ़ाई को पे मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए घाट पर आपको चाय बेचते हुए और पन्नी बेचते हुए आपको जो है मिल जाएंगे। शिव घाट पर देखिए भाई एक दो महिला श्रद्धालु यहाँ पर हमें जो है गंगा जी में डुबकी लगाते हुए दिख जाएंगे। बाकी बहाव देखिए यहाँ से कितना सुंदर दृश्य है, और गंगा जी का बहाव आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज हो गया है, और जल भी है जो है बिल्कुल एकदम पारदर्शी है। देखिए और देखिए गंगा जी में जो है डुबकी बहुत सावधानी पूर्वक लगाई। अभी आपने दो चार न्यूज़ भी देखी होगी, एक महिला ने जो अपने बच्चे को गंगा जी में डुबकी लगाया, मतलब किसी वहम के चलते टोने टोटके के चलते जो है इस तरह का एक हादसा हुआ था हर की पौड़ी घाट पर। तब से जो है एक दो सिक्योरिटी गार्ड भी जो है घाट पर घूमते हैं और इन तरह की हरकतों पर जो है नोटिस रखते हैं, इसलिए भाई बहुत ही सावधानी पूर्वक डुबकी लगाई। फिलहाल शिव घाट देखिए भाई, पूरा शिव घाट आपको दिखाया खाली था, एक भी श्रद्धालु अभी फिलहाल सुबह सुबह कोई भी शिव घाट पर नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर जो है दृश्य लग रहा है सुबह सुबह। और अभी आप हरिद्वार पे मुंडन या टुंडन कोई भी कार्यक्रम जैसे अगर आप कुछ कराना चाहते हैं तो फिलहाल अभी भीड़ नहीं है, आपको होटल वगैरह भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे आपको। घाट पर ही 500-500, 400-400 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाएंगे। फिलहाल अभी जो है हरिद्वार में ना ही तो उतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और ना ही होटल वगैरह फुल चल रहे हैं। तो फिलहाल अगर अभी आप इस बीच हरिद्वार घूमने का विचार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है, जल भी साफ़ मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, होटल वगैरह और सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो देखिए अस्थि विसर्जित कर रहे हैं यहाँ पर, आपको पता ही है हमेशा जो है इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हर की पौड़ी घाट पर गंगा जी में चलता रहता है। देखिए अस्थि विसर्जित की जा रही है यहाँ पर। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ धनुष पुल के नीचे। भाई बढ़िया धूप लग रही है, धूप निकल चुकी है देखिए सुबह सुबह फर्स्ट क्लास, और गंगा जी में डुबकी लगाने से ज़्यादा श्रद्धालु भाई घाट पर बैठकर धूप ले रहे हैं। फिलहाल धनुष पुल के नीचे से ही बहाव देख लीजिए आप, कितना तेज़ बहाव आपको जो है साफ दिख रहा होगा। गंगा जी का जो बहाव है वो तेज कर दिया है, और इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सावधानी पूर्वक जो है भाई गंगा जी में डुबकी लगानी है। फिलहाल हरिद्वार से जुड़ी और कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, घाट पर भाई धोखेबाजों से बहुत सावधान रहना, बहुत तरह का जो है अलग अलग तरीके से जो है घाटों पर श्रद्धालुओं को लूटा जाता है। तो देखिए कुछ टीके वाले होते हैं जो टीका लगाते हैं वो 50 रुपये 100-100 रुपये ले लेते हैं, तो इसलिए भाई आपको मतलब ऐसा कुछ डरना नहीं है घाट पर, और मतलब किसी तरह का मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ देखिए हर की पौड़ी प्रशासन पर वहाँ पर चौकी भी है, तो आप उसके खिलाफ़ एक्शन लीजिए।
और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए भागीरथी सेतु के पास आए और यहाँ भी देखिए फिर दोबारा जो भाव है भागीरथी सेतु का देखिए कितना तेज़ है। फिलहाल नाईघाट, जैसा कि हम आपको बताते हैं, नाईघाट भाई राजस्थानी श्रद्धालुओं का देखिए ये सबसे पसंदीदा घाट है नाईघाट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजस्थानी श्रद्धालु गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। फिलहाल अभी देखिए भीड़ है यहाँ पर, आपको ज़रूर भीड़ मिलेगी नाईघाट पर। मतलब हरिद्वार के सभी घाट खाली हो जाए लेकिन नाईघाट कभी खाली नहीं होगा। यहाँ पर श्रद्धालु राजस्थानी श्रद्धालु सबसे ज़्यादा डुबकी लगाते हैं देखिए। और सोने चांदी के सिक्के भी जो है गंगा जी में अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। जल पारदर्शी है तो इन पर अलग अलग चुंबक लेके बाल्टी लेकर, बाल्टी में कांच लगा होता है, तो अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जो है ये लोग गंगा जी में इस तरह की खोजबीन करते हैं। फिलहाल देखिए घाटों पर उतने ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है। धनुष पुल के नीचे से आप गंगा जी का बहाव देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए भाई साहब जंजीर पकड़कर डुबकी लगा रहे हैं। सही तरीका है, जंजीर पकड़कर ही आपको गंगा जी में भाई डुबकी लगानी है। ये दृश्य देखिए अस्थि प्रवाह घाट का है और यहाँ पर भी बहाव, अब मतलब लगभग हर घाट पर जो है बहाव तेज़ हो गया गंगा जी का। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने कई वीडियोस में आपको दिखाया श्रद्धालु जंजीर पकड़ पकड़कर जो है भाई गंगा जी में कूदते हैं और जंजीर पकड़कर जो है गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और फिलहाल देखिए अस्थि प्रवाह घाट है, सामने देखिए आरती घाट। यहीं पर सुबह और शाम दोनों समय जो है माँ गंगा जी की भव्य आरती होती है और आरती देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इंतज़ार करते हैं भाई घाटों पर, एक एक दो दो घंटे पहले बैठ कर जो है इंतज़ार करते हैं गंगा आरती देखने के लिए। और सच में बहुत ही ज़्यादा मनमोहक गंगा आरती जो है घाट पर होती है। फिलहाल देखिए बुलडोज़र द्वारा जो है इसको भाई पुल को तोड़ा गया था और आज तक कुछ नहीं बना यहाँ पर, बस इसी तरह जो है उन दो पुल को जो है हटा दिया गया, बाकी देखिए इसी तरह छोड़ दिया है। बहाव दिखे यहाँ पर आप गंगा जी का, और कितना सुंदर कितना प्यारा यहाँ से ये देखने में देखिए दृश्य लग रहा है। और कुछ श्रद्धालु देखिए धूप भी लग रही है और गंगा जी में भाई डुबकी भी लगा रहे हैं। देखिए आधे श्रद्धालु तो बैठने वाले हैं और ये सामने हमारे देखिए गंगा आरती घाट। आपको आरती घाट पर भी देखिए कुछ होटल्स दिखाई दे रहे होंगे और आसपास भी होटल जो अभी फ़िलहाल सस्ते हैं। देखिए उतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है घाट पर और अभी जो है मतलब अगर अभी आप हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम, आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं मिलेगी, अब बढ़िया धूप निकल रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ज़्यादा ठंड हरिद्वार में तो है, लेकिन धूप भी निकल रही है। किस तरह देखे श्रद्धालु किस तरह गंगा जी में ज़बरदस्ती भाई गंगा, क्योंकि गंगा जल अभी फिलहाल ठंडा है तो ज़बरदस्ती डुबकी लगा रहे हैं। गंगा जल तो हर समय ही आपको जो है ठंडा मिलेगा। और चलिए घाट पर देखते हैं, धूप निकल चुकी है। देखिए घाट पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु बैठे हैं, पूरा घाट दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। फिलहाल बढ़िया मौसम है, कुछ भी पूछना हो भाई, कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं भाई, हमारे इंस्टा आईडी को राहुल दुबे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। कांवड़ यात्रा भी भाई चालू होने वाली है 2024 की, तो सारा कवरेज जो है हमारे इस चैनल पर मिलने वाला। जय बोलेगी।